चलिए भाई शुरू करते हैं। आज बूटस्ट्रैप का फर्स्ट कोड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सेटअप कैसे करते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके हमने एक फोल्डर बना रखा है बूटस्ट्रैप वेब के नाम से, अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिएगा। उसमें हम एक फोल्डर बना रहे हैं फायरवॉल नॉइस के नाम से, फायरवॉल नॉइस के नाम से एक फोल्डर बना रहे हैं, और इस फायरवॉल नॉइस के अंदर हम अपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का सेटअप करेंगे। यहाँ से मैंने इसको मिनिमाइज़ किया। सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ वी एस कोड के ऊपर, यानी कि विजुअल कोड को मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा। फाइल के मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करके जो पहले से फोल्डर डिफाइन हुआ हुआ है उसको क्लोज फोल्डर करके बंद करूँगा। फिर फाइल के मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ से ओपन फोल्डर करके क्लिक करूँगा, और यहाँ से उसी फोल्डर को डिफाइन कर दूँगा। उसके लिए वो फोल्डर कहाँ बना हुआ था, डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ क्लिक करूँगा। बूटस्ट्रैप वेब के अंदर मेरा फोल्डर था और उस फोल्डर का नाम था फायरवॉल नॉइस, तो मैं यहाँ से क्लिक करके डेट मॉडिफाइड ले लेता हूँ ताकि मेरा फोल्डर सबसे टॉप पर आ जाएगा, और उसको जाके यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। पहले हम ऑनलाइन मेथड के जरिए इसको बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करना सीखते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो ऑनलाइन मेथड के जरिए कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ली मैंने, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव किया, और मैंने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन वेब डॉट एच टी एम एल, क्योंकि हमने वेब पेज बनाना है तो ये ऑनलाइन वेब डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फाइल कनेक्ट हो गई, क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद जैसे ही फाइल क्रिएट हुई तो हमें जाना है यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है getbootstrap.com। यहाँ से हम खोलने के बाद डॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये वेब बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपने आना है डॉक्स में, डॉक्स पे क्लिक करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा बना बनाया, इसको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये वही एचटीएमएल का नॉर्मल कोड है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड कोड यहाँ मौजूद है। ये जो फाइल है ये लिंक हो रही है बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है, ऑनलाइन। और दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को हमें कनेक्ट करना है, तो ये भी हम हेड सेक्शन में रख देते हैं। यहाँ भी सही थी लेकिन थोड़ा एक प्रॉपरली कोड को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये ऑनलाइन हमारा बूटस्ट्रैप की और जावास्क्रिप्ट की कनेक्टिविटी हो गई, और ये हमारी फाइल बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्टेड है। अभी इसको वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख लेते हैं, डिफ का, डेफ का, हेड का, कोई भी आप लिख लें। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिख दिए। लेट सपोज हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिए, और वो टेक्स्ट थे फॉर एग्जांपल वेलकम टू बूटस्ट्रैप ऑनलाइन ऑनलाइन मेथड। तो जैसे ही हमने इसको सेव कर दिया ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद अभी ये वेब ब्राउज़र पे कैसा नज़र आएगा, फाइल पे जाके एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, राइट बटन दबा के गूगल क्रोम के ऊपर ओपन करेंगे। मैं साथ साथ बताता चलूँ, जो वर्जन हम बूटस्ट्रैप का सीख रहे हैं वो 5.3 है तकरीबन, यानी कि नॉर्मली 5 कहलाता है। ओके, तो अभी नॉर्मल टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। तो भाई बूटस्ट्रैप क्या फ़ायदा इसमें डालेगा, आइए बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करना शुरू करते हैं। इसके ऊपर हम जो मेन कंटेनर की क्लास लगा रहे हैं क्लास, और उसके अंदर हम लिख रहे हैं कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास से क्या होगा कि ये लेफ्ट एंड राइट मार्जिन को थोड़ा छोड़ के कॉन्टेंट बीच में आ जाएगा। जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा लेफ्ट मार्जिन काफ़ी आ गया इसके अंदर, और कॉन्टेंट हमारा बीच में आ गया, यहाँ से भी इतना मार्जिन छोड़ेगा। इसको मज़ीद प्रूफ करने के लिए बैकग्राउंड की क्लास लगाते हैं, ये बैकग्राउंड की मास्टर क्लास है डैश लगा के। अब कलर की कोई भी क्लास लगाएंगे इसके आगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, 6-8 कलर हैं, कोई भी लगा लेते हैं। प्राइमरी क्लास लगाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसके बैकग्राउंड पे कलर आ गया। चूंकि कंटेनर की क्लास है तो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन पर थोड़ा गैप है, और कॉन्टेंट बिल्कुल पेज के सेंटर में आ रहा है। फर्दर मोर टेक्स्ट के ऊपर एक और क्लास लगाते हैं, टेक्स्ट इसकी मास्टर क्लास है, और कलर इसके ऊपर अगर हमें वाइट लगाना है या म्यूटेड लगाना है तो म्यूटेड की क्लास लगा देंगे, तो ये म्यूटेड कलर हो गया। और अगर मुझे इस पर वाइट कलर लगाना है तो वाइट की क्लास लगा देंगे, ये इस पर वाइट कलर आ गया। फर्दर मोर इसके ऊपर पेडिंग की क्लास लगानी, तो पेडिंग का पी इसकी मास्टर क्लास है, और डैश के साथ 1 से 5 तक की पेडिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं 5 पेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, ये देखें इस पर अप्लाई हो गया। फर्दर मोर इस पर H1 का अगर हेडिंग 1 बनाना है तो H1 की क्लास लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अगर H2 बनाना है तो H2 की क्लास लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अगर H3 करेंगे तो H3 की क्लास लगाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरह से नज़र आएगा। मैं इस पर H1 की क्लास लगाता हूँ, तो ये देखें एक अच्छा सा कंटेनर बन गया और मेरा टेक्स्ट उस पर बेहतरीन नज़र आ रहा है। फर्दर मोर टेक्स्ट को सेंटर करना है तो टेक्स्ट की मास्टर क्लास है और सेंटर की उसकी सब क्लास है, जैसे ही लगाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये सेंटर में भी आ गया। इट मींस कि मेरा बूटस्ट्रैप भी कनेक्टेड है मेरे वेब पेज के साथ, और बूटस्ट्रैप का कोड भी काम कर रहा है। अब आप खुद बताइए, मैंने जितना कोड लिखा है अगर यही कोड हम CSS के अंदर करते तो कितना कोड लिखना पड़ता, कंटेनर की विड्थ, हाइट, फिर उसको रेस्पॉन्सिव बनाना है, फिर टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर, फिर हेडविंग 1 वगैरह, कितना काम करना पड़ता। पर इसमें मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट मुझे इनकी क्लासेस को समझना है और कैसे लिखना है, वो खुद ही कोड इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता चला गया। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ऑनलाइन मेथड। अब करते हैं ऑफलाइन मेथड। ठीक है,
ऑफलाइन मेथड के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है goodgetbootstrap.com पर, और यहाँ से ये वाला डाउनलोड कर लेना है इसका लेटेस्ट वर्जन। मैंने ये डाउनलोड कर लिया और आपको सेंड भी कर दूंगा। तो डाउनलोड होने के बाद वो चला गया मेरे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर, और डाउनलोड के फोल्डर में जाके मैंने उसको वहाँ से ले लिया। तो यहाँ से मैं आया डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स में आने के बाद मैं यहाँ से गया कंप्रेस्ड के फोल्डर के अंदर। कहाँ है कंप्रेस्ड? कंप्रेस के फोल्डर में आने के बाद बूटस्ट्रैप 5.3 को कॉपी किया यहाँ से, और फिर मैं चला गया यहाँ से डी ड्राइव के अंदर, और सॉरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसी फोल्डर के अंदर जहाँ मैंने बूटस्ट्रैप की अपनी वेब पेज को सेट किया है, सेटअप किया है, और यहाँ जाके मैंने एप्पल सनशाइन नहीं फायरवॉल नोवाइस के फोल्डर के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये इसकी जिप फाइल है, इसको यूज़ नहीं करना, इस पर राइट बटन दबा के एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, तो इसकी जो एक्चुअल फाइल है फोल्डर वो आ जाएगा। उसको रीनेम करके जो पॉइंट पॉइंट है इस पर से ख़त्म कर दें, डायरेक्ट बूटस्ट्रैप कर दें, और अब इस फोल्डर का नाम बूटस्ट्रैप के नाम से मौजूद है, और इसके अंदर पूरा बूटस्ट्रैप का कोड मौजूद है। यूँ समझें ये आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लिया, कॉपी कर लिया, लेकिन इसको अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करेंगे? ईच एंड एवरी पेज जिसमें आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं उस पर जाएंगे। अब एक हम बनाते हैं दूसरा पेज, न्यू करके कंट्रोल एन से सेव करते हैं, और उसका नाम रखते हैं ऑफलाइन वेब डॉट HTML। और जैसे ही सेव किया हमने, यहाँ पे शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाया, बेसिक HTML का कोड हमने ले लिया, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं बूटस्ट्रैप कनेक्टिंग यूजिंग ऑफलाइन मेथड, सेव कर दिया। इसके बाद हेड सेक्शन में आके हमने कैसे कनेक्ट करना है बूटस्ट्रैप को, यहाँ से हम लिंक का कोड लगाएंगे, और यहाँ पे ये लिंक आ गया। लिंक में जैसे ही बी दबाएंगे तो लिखा हुआ आएगा बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर DIST का फोल्डर है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर CSS का फोल्डर है जिसमें पूरा CSS का कोड कंपाइल्ड हुआ हुआ है। इसमें से आपने जो फाइल यूज़ करनी है bootstrap min.css की फाइल यूज़ करनी है। bootstrap min.css की फाइल कहाँ मिलेगी? bootstrap min.css की फाइल हमें यहाँ मिलेगी। सेव किया और यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा से स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करना है, इसके अंदर SRC का एट्रीब्यूट लगाना है, इसको कनेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से बी दबाना है, और बूटस्ट्रैप के अंदर जाके डिस्ट के फोल्डर के अंदर जाके अब जाना है JS। JS का पूरा वर्ड है जावास्क्रिप्ट, क्लिक करेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप bundle.bin.js की फाइल को यूज़ करना है, और यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब आइए चेक करते हैं क्या ये कोड मेरे पास काम कर रहा है या नहीं बूटस्ट्रैप का ऑफलाइन मेथड में। तो फाइल इन एक्सप्लोरर पे गए, राइट बटन दबाया, ओपन विथ किया, गूगल क्रोम पे चले गए, ये लोड हो गया। ओके, अब यहाँ पर आके हम लिखते हैं डिव का एक कंटेनर बनाते हैं। चले मैं आपकी आसानी के लिए, आप कह रहे हैं सर डिव पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हेड का एक हेडर का एक कंटेनर बना देते हैं हेडर, और उसमें आ जाते हैं। कोई भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट लगा सकते हैं, किसी पर भी इसका कोड अप्लाई हो सकता है। उसमें एक क्लास का एट्रीब्यूट लगाते हैं, और उसके अंदर जाके हम लिख रहे हैं सपोज टू बी ओके। तो अभी हमारे पेज पे कैसा नज़र आ रहा है? इस तरह नज़र आ रहा है। इसमें मैं आपको इसकी दूसरी क्लास कंटेनर की यूज़ करना बताता हूँ। container-FLUID फ्लूड। इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट मार्जिन पूरे कम्प्लीटली यूज़ कर लेगा और काफ़ी हद तक गेप नहीं देगा। इस फ्लूड में और कंटेनर क्लास में ये फ़र्क है, कंटेनर में मार्जिन आएंगे लेफ्ट राइट के, और कंटेनर डैश फ्लूड में कोई मार्जिन नहीं आएंगे, एंड टू एंड कवर कर लेगा। उसके बाद अब फर्दर क्लासेस में हम यूज़ करते हैं, अगर हमें इसके बैकग्राउंड पे कलर लगाना है तो BG की मास्टर कलर डैश कौन सा कलर लगाना है उस कलर का नाम लिखना है, सेव करना है, और ये अप्लाई हो गया। टेक्स्ट पे कलर लगाना है, टेक्स्ट डैश उस पर कौन सा कलर लगाना है, सेव करना है, और एक टेक्स्ट अप्लाई हो गया। पैडिंग लगानी है, कितनी लगानी है, पैडिंग डैश 4 लगानी है, तो पैडिंग 4 लग गई। इसके बाद मैं इसमें H6 नहीं डिस्प्ले की क्लास को यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट को कलर देने के लिए डिस्प्ले 1 की क्लास लगाता हूँ, तो ये देखें कितना बड़ा फॉन्ट साइज इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। 2 लगाता हूँ तो उससे थोड़ा छोटा आ जाएगा, और सेंटर करने के लिए टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास को यूज़ करता हूँ, और इसको सेव करूँगा तो ये देखें सेंटर में आ गया। और इस तरह से देखें इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये कंटेनर क्लास के अंदर ये लेफ्ट एंड राइट मार्जिन रहेंगे ताकि आपकी वेबसाइट बिल्कुल पेज के सेंटर में चले, जबकि कंटेनर वाली क्लास में ये आपके दोनों साइड को कवर कर लेगा और एंड टू एंड के ऊपर आपका पूरा कंटेनर सेटअप होगा। अब आती है बात कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिव है। देखें जैसे जैसे मैं छोटा करूँगा फॉन्ट का साइज़ भी कम होता जाएगा और कंटेनर भी ऑटो एडजस्ट होता चला जाएगा जैसे जैसे स्क्रीन का साइज़ सेट होगा। और देखें ये आपकी वेब पेज को इसने रिस्पॉन्सिव कर रखा है। सिमिलर एक्शंस इसके ऊपर दूसरे ऑनलाइन मेथड पे भी अप्लाई हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा ये ऑटो एडजस्ट करेगा और अपने फॉन्ट साइज़ को भी एक्सटेंड करता जाएगा, और जैसे जैसे जितनी छोटी डिवाइस पे मैं इसको खोलूँगा तो ये अपने आप के साइज़ को और कम करता जाएगा और उसी पे ऑटो एडजस्ट कर लेगा। देखें कितने से कोड में आपकी वेबसाइट क्या हो गई, रिस्पॉन्सिव भी हो गई, फॉन्ट भी सेट हो गया, कंटेनर भी बन गया, और कितना ज़बरदस्त फॉन्ट और ये सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं जो कि हम CSS में कई लाइनों का कोड करते और ये इसके अंदर इसी से हमने कर लिया है। सही है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को बेहतर तरीके से वेब